बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दरबार चला रहे हैं, वो हमारे पास में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हम दूसरे लोगों का दुख दूर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, उनकी समस्याएं कट जाती हैं, लेकिन हमारी समस्याएं वैसी ही बनी हुई हैं। हमें प्रॉब्लम होता है, हमें वो उस तरीके का नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके की चीज़ें हम लोगों के लिए कर पा रहे हैं, तो उसका कारण जानने का प्रयास करिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप दूसरों के कर्म काटते हैं तो आपके भी कर्म कहीं ना कहीं बाधित होते हैं, आपको मिलने वाला फल भी जो है वो बाधित होता है। जैसे आप सही कर्म करते हैं तो सही कर्म का फल, किसी के लिए अच्छे कर्म आप करते हैं तो उसका बोलते हैं ना पुण्य का फल, उसके पुण्य का फल आपको मिलता है। तो इसी तरीके से जब आप किसी के गलत कर्म काटते हैं तो उसका परसेंटेज भी आपको शेयर करना पड़ता है। यही वजह है कि ज़्यादातर जो लोग ये दूसरों के प्रारब्ध काटने का कार्य करते हैं, उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं दुख बने रहते हैं। उनका जो फल होता है, भक्ति का जो फल उन्होंने इकट्ठा किया होता है, वो दूसरों के कर्म काटने में लगा देते हैं, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि दिन भर में उनके दरबार लगते हैं और रात्रि में उन्हें थोड़ा विश्राम भी करना होता है, अपने परिवार को समय भी देना होता है। तो वो जो है दोबारा से उस ऊर्जा को जो है वो गेन नहीं करते हैं। यानी कि उन्होंने अपने, मान लीजिए उनके पास में 1,000 रोटियां थी, उन्होंने 1,000 रोटियां बांट दी। अब 1,000 रोटियां बांटने के बाद में वो खाली हो गए, तो वो खाली जो आप हो गए उस खाली को भी भरना होता है ना। अगर आप उस खाली को भरते रहेंगे, यानी कि वो मंत्र जाप करते रहेंगे, क्योंकि दूसरों के आप कर्म काट रहे हैं तो आप अपने आप को और एनर्जेटिक रखेंगे, आप वो मंत्र साधनाएं करते रहेंगे जिससे आपके पास में धन आता रहे, है ना, दूसरों के दुख भी दूर होते रहे, तो वो सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी।